नमस्कार मैं रेखा दुगल आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज हमने आपको दिखाया था कि राजीव रतन आवास योजना का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया जो कि बवाना के अंदर है जहां 3600 से 4000 मकान बिल्कुल खराब हालत में 20 साल से पड़े हैं अब हम आपको दिखा रहे हैं रोहिणी के विजय विहार में लाल फ्लैट के नाम से मशहूर ये वो बिल्डिंगे है जो क्राइम का बहुत बड़ा अड्डा बन चुकी है आप देख सकते हैं ये वो बिल्डिंगे हैं जिनकी हालत इतनी खराब है कि इन बिल्डिंगों के भी छज्जे खुद ब खुद टूटकर नीचे गिर रहे हैं छत खुद ब खुद टूटकर नीचे गिर रही है दीवारें खुद ब खुद टूटकर नीचे गिर जाती हैं और यहाँ गंदगी इस कदर है कि यहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग करते समय मुझे भी दिक्कत हो रही है साथ में ही बहुत ज्यादा कूड़ा जो है यहाँ डालने के लिए इस घर को इस बिल्डिंग को कूड़ा घर बना दिया गया है जानवरों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और सबसे बड़ी चीज क्रिमिनल बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद होते हैं कई बार यहाँ से बच्चों की लाशें भी मिली हैं। उन बच्चों को कैसे यहाँ लाया गया कैसे मारा गया कुछ नहीं पता कई नौजवान लोगों की लाशें भी यहाँ से मिली है युवकों की लाशें यहाँ मिलना आम बात हो गई है यहाँ पर नशा किया जाता है स्मैक पी जाती है गांजा पिया जाता है दारू पी जाती है आस पास यहाँ आने जाने वाले ये वाइब जो है यहाँ नाला भी है जो कि अंदर एक विहार को रास्ता जाता है और एक रिठाला गांव की तरफ रास्ता जाता है आने जाने वाले लोगों से यहाँ लूट की जाती है अगर अंधेरा हो गया है दस बजे के बाद आप यहाँ नहीं आ सकते आपको रोक लिया जाएगा अगर आप बाइक पे हैं, स्कूटी पे हैं, आपको रोक लिया जाएगा आपसे छीना झपटी होगी मोबाइल आपका पर्स आपसे सारी चीजें अगर आपने कुछ गोल्ड पहना है कुछ भी आपके पास है उसे छीन लिया जाएगा आप देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग है जो कि बहुत ज्यादा खराब हालत में है ये आप देख सकते हैं जो नशा करते हैं यहाँ पर बैठकर क्राइम को अंजाम देते हैं उन्होंने भी यहाँ के दरवाजे यहाँ की खिड़की यहाँ लगे जो लैंटर के लोहे होते हैं जो सरिये होते हैं उनको यहाँ की हर एक चीज को तोड़कर बेचकर नशा कर लिया और इन फ्लैटों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ किसी भी वक्त कोई भी लाश जो है वो बरामद हो जाती है अब अगर बात करें कि ये फ्लैट किसने बनाए किसके लिए बनाए गए थे और ये किसके अंडर में आते हैं एम के अंडर में आते हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट के अंदर ये फ्लैट जो है वो आते हैं अब अगर बात करें कि यहाँ की जो प्रशासन यहाँ व्यवस्था को संभालने का काम नहीं कर रही है इतनी बुरी हालत है कि कभी भी ये गिर सकते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो नीचे ढह सकती है बहुत बुरा हाल है और क्राइम का बहुत बड़ा अड्डा ये लाल फ्लैट जो है वो मशहूर है जी हाँ आसपास से अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो लाल फ्लैट का अगर आप नाम लेंगे तो कोई भी आपको बता देगा कि यही के स्थानीय निवासी एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है आप यही कहीं रहते हैं हाँ, इधर पीछे बाजार रोड पे अच्छा तो ये यहाँ की जो हालत है ये क्राइम का अड्डा बन गया है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में ये लोग करते ज्यादातर जो नशे समैक वगैरह पीते है ना वो लोग आके यहाँ पे सब करते रहते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेना नशे के चक्कर से फिर वो लड़ाई करके एक दूसरे को मारपीट में किसी को ज्यादा लग जाती है हो जाते है उनके साथ ही यहाँ कई बार लाशें भी बरामद हाँ हाँ एक बार कुछ दिन पहले की बात है यहाँ पे एक शायद बच्चे का ही ऐसा हो गया था कह रहे थे वो खुद आत्महत्या वगैरह कुछ बता रहे थे पर सच एक बच्चा आत्महत्या वही तो वो भी ऐसे जर्जर फ्लैटो जर के कुछ भी लड़ाई झगड़ों में हो जाता है या किसी के पे पैसे होते हैं जो छीन छान करते हैं ना उनके चक्कर से भी ऐसे लड़ाई हैं अच्छा कब से से इनकी हालत ऐसी देख रहे मैं मैं तो काफी साल बहुत छोटा था जब से जब से आ, यही हालत बनी हुई है है ऐसे ही पूरा बंद पे पैसे भंगाल पड़ा रहता है अच्छा सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप क्या सरकार से यही कहना चाहेंगे जो इधर जुग्गी वाले उनके लिए थोड़ा कुछ करके इनको रेनोवेटर अच्छा बना के उनको दे दो अगर इतने सालों से खाली पड़ा है कम से कम वही रह लेंगे किसी का तो भला हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सुना आपने ये देखिए ये हमारे युवाओं की सोच है कि जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं परेशान हैं अगर सरकारी जमीन ऐसे बेकार में पड़ी है तो अगर इन्हें रिनोवेट करके इन्हें अच्छे से बना के उन झुग्गी में रहने वाले लोगों को अगर दे दिया जाए तो किसी का तो भला होगा और ये वाकई में सच बात है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको पूरे तरीके से ये देखिए किस तरीके से यहाँ गाय बांधी हुई है और पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ढह चुकी है गिर चुकी है अगर प्रशासन इन चीजों पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि हो सकता है कि किसी ना किसी वजह से अनदेखी की जा रही हो हो सकता है यहाँ भी कोई बहुत बड़ा घोटाला बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो सामने आने वाला हो हमने तो पहल कर दी है ऐसी सारी जगह आपको दिखाएंगे जो सरकार की है लेकिन वहां के हालात बेहद खराब है सरकार वहां ध्यान नहीं दे रही है अब राजीव रतन आवास योजना के भी कुछ खुलासे आपके सामने करूंगी और इस जगह को भी इसकी भी तफ्तीश करूंगी इसके बारे में भी जानकारी हासिल करूंगी और यहाँ की भी पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी आपको बताऊंगी कि की अंडर में आते हैं कब बनाए गए क्यों बनाए गए किन लोगों को देने के लिए बनाए गए थे और यहाँ पर अभी तक भी इनके मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं हुआ और ये क्राइम का अड्डा कैसे बन गया कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल ओपन चैलेंज 24 न्यूज